हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने डिनर में सोचा है डोसा बनाने का। इसके लिए मैं अभी ही बैटर रेडी करूंगी। तो मैंने यहाँ पास लिया है 1.5 कप अरवा चावल, मैंने यहाँ पास यूज किया है। आप यहाँ पास पका हुआ चावल भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ मैं यहाँ 3/4 कप उड़द दाल ले रही हूँ। ये आपको रेशियो यहाँ 3:1 का रखना है। अगर आप 3 कप चावल यूज करें तो वहाँ पास 1 कटोरी आप उड़द दाल यूज करें। और यहाँ पास मैं बिल्कुल 2 चम्मच जितना चना दाल यूज कर रही हूँ। इससे हमारा डोसा बहुत ही क्रिस्पी बनता है। और मैं यहाँ पास बिल्कुल थोड़े से मेथी के दाने यूज करूंगी और मैं इसको 2-3 बार अच्छे से वॉश कर लूंगी। यहाँ पास सावधानी से करें क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म है। और ये देखिए हमारा क्रिस्पी डोसा बनकर रेडी है। मैं एक और आपको फैला कर और इसे मैं ऊपर से चिकना कर लूंगी। इसके सूख जाने के बाद मैं इसके ऊपर रिफाइंड ऑयल फिर से स्प्रेड कर लूंगी। और ये देखिए डोसे ने तवा फिर से रिलीज कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर आलू का मसाला ऐड करूंगी और इसे अपने शेप के अकॉर्डिंग इसे मोड़ लें। और मैं इसे प्लेट में निकाल ले रही हूँ। यहाँ पास हमारा डोसा बनकर बिल्कुल रेडी है। मैंने इसे चटनी के साथ सर्व कर लिया है। आप भी फ्रेंड्स इसे बनाकर खाइए, एंजॉय कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन बाय बाय।